नमस्कार दोस्तों, टेक्स सिनेमा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि विंडो 10 को फास्ट कैसे किया जाता है। विंडो 10 स्लो होने का सबसे बड़ा कारण है बैकग्राउंड में विंडो अपडेट होना। इससे आपके बैकग्राउंड में टास्क चलते रहते हैं और विंडो अपडेट डाउनलोड होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क बिजी हो जाती है और नए प्रोसेस या फिर सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए ठीक तरीके से स्पेस नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विंडो 10 में ऑटोमेटिक अपडेट्स कैसे ऑफ करें। विंडो 10 में अपडेट ऑफ करने का ऑप्शन आपको सीधे सीधे देखने को नहीं मिलता। इसे ऑफ करने के लिए अपने पीसी के कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करें, उससे रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर services.msc टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। इससे आप सर्विसेज का पेज एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और विंडो अपडेट के ऑप्शन पर जाना है। अब विंडो अपडेट ऑप्शन पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पर जाएं। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। यहां आपको सबसे पहले स्टार्टअप टाइप को डिसेबल करना है। इसे डिसेबल करने से आपकी विंडो में बैकग्राउंड में अपडेट अपने आप डाउनलोड नहीं होगी। उससे आपके पीसी में प्रोसेस के लिए मेमोरी बची रहेगी तो सिस्टम स्लो नहीं होगा। मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर रहा हूँ। साथ ही नीचे की तरफ सर्विसेज स्टेटस को भी स्टॉप करना है, तो बस स्टॉप पर क्लिक करें और ये सर्विसेज बंद हो जाएंगी। घबराएं नहीं, इससे आपके पीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको बस अप्लाई एंड ओके पर क्लिक करना है और हमारी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्टअप प्रोग्राम्स डिसेबल करना। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि पीसी शुरू होते ही खुद ब खुद चल जाते हैं। इसमें से काफ़ी प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले अपने टास्क मैनेजर पर राइट क्लिक करें। माफ़ कीजिए, मेरे पीसी में टास्क बार थोड़ा नीचे की तरफ है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। टास्क बार पर राइट क्लिक करने के बाद आपको टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। ऐसा करने से टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अब आपको स्टार्टअप पर जाना है। अगर आपको स्टार्टअप नहीं दिखाई दे रहा तो आपको नीचे की तरफ मोर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अब स्टार्टअप में जाने के बाद आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जो कि सिस्टम ऑन होने के बाद खुद से चल जाते हैं। आपको बस इन्हें डिसेबल करना है। डिसेबल या इनेबल करने के लिए आपको बस प्रोग्राम पर राइट क्लिक करना है और डिसेबल का ऑप्शन चूज करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पीसी में स्काइप इनेबल्ड है और आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो उस पर राइट क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। और बाकी जो भी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें भी डिसेबल कर दीजिए। इस स्टेप से भी आपके पीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बस एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए और आपका पीसी पहले की तरह फास्ट चलने को तैयार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।